सिंगरौली एनसीएल में फर्जी तरीके से भर्ती कराने के नाम पर 10 लाख रुपए लेने वाले एक ग्रोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों के खिलाफ कई थानों में भी प्रकरण दर्ज है। ठग गिरोह के खिलाफ भगवत प्रसाद वर्मा और कृष्ण प्रसाद साकेत ने मोरवा थाने में ठगी का प्रकरण दर्ज कराया था। आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं से लाखों रुपए की ठगी की थी। बताया जा रहा है कि ठगों द्वारा दिया गया नियुक्ति पत्र फर्जी निकला। ठगी के प्रकरण में पुलिस ने सौरभ सिंह, रविंद्र सिंह, अनिल सिंह को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में अनिल सिंह एनसीएल कर्मचारी भी है। यह आदतन अपराधी है। इसके पूर्व भी कई लोग इसके खिलाफ शिकायतें कर चुके हैं। इसके ऊपर मामले भी दर्ज हैं। फर्जी नियुक्ति पत्र छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक ब्रजेश भारद्वाज को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास एनसीएल के फर्जी मेडिकल पुस्तक भी बरामद की गई है। आरोपियों के पास से नगद पैसे, 1 तोला सोने की चैन, 3 मोबाइल फोन भी मिले हैं। 4 आरोपियों को पुलिस ने रक्षा में लिया है। इसमें सौरभ सिंह निवासी रीवा, अनिल सिंह सीधी के, और दिचुआ परियोजना के रविंद्र सिंह, और एक ब्रजेश भारद्वाज जो अनपरा के रहने वाले हैं। 4 लोगों को पुलिस ने अभी रक्षा में लिया है। इसमें फरियादी भगवत प्रसाद वर्मा हैं। इनसे ने कहा चारों ने कि हम आपके बच्चे को नौकरी दिलवा देंगे एनसीएल की परियोजना, और इसके लिए आपको 8 से 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। फरियादी इनकी बातों में आ गए और उनने 7 लाख रुपए इनको दिए। इसके एवज में सौरभ सिंह ने एक नियुक्ति पत्र बनाया है एनसीएल का, नियुक्ति पत्र, उनका मेडिकल का रिपोर्ट और मकान आवंटन का एक आदेश और उनको दिया। जब ये लेके एनसीएल के कार्यालय में पहुंचे तो वहाँ पे पता चला कि ये जो भी पत्र इनके द्वारा दिए गए हैं सब फर्जी हैं और एनसीएल कार्यालय से जारी नहीं हुए। फरियादी द्वारा पुलिस थाने मोरवा में शिकायत की गई। शिकायत जांच पर से आरोपी को जो है तलाशा गया और इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके योजना की जा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।